हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सुंदर सा नेक डिज़ाइन। तो दोस्तों, हमने एक सिंपल सा नेक बना रखा है पहले से ही, अब इसी में हम अपना डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना ये बुकरम ले रखा है जो हमारा बचा हुआ है। इस हम कभी भी कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आप पहले अपना जो स्क्रैप है बुकरम की उसको यूज़ करें। अगर उसमें कोई चीज़ निकलती है तो सबसे पहले आप उसमें निकालें, उसके बाद में आप अपना फ्रेश बुकरम यूज़ करें। तो दोस्तों, हम यहाँ से सबसे पहले इस तरह से एक होल कर लेंगे। इस तरह और इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको भी हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों, ये हमारे कटिंग हो चुके हैं इस तरह। तो इसी प्रकार हमें अपने दो पीस और कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम अपने पीस कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने के चारों पीस कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसको अपने व्हाइट कपड़े पे चिपका लेंगे। तो हमने अपने के पीस चिपका लिए हैं। चिपकाने के बाद में अब इस पे हम लगा के सिलाई और अपना कपड़ा जमा लेते हैं। दोस्तों, हमने अपनी सिलाई लगाकर जमा लिए हैं। अब इसको हम लगाते हैं अपनी कुर्ती पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ से निशान लगा रखा है 1/2 इंच पे, और 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें ये वाला हिस्सा इसका अंदर का जिसमें हमें सिलाई लगाना है वो रखना है अपने निशान पे इस प्रकार। और हमें इसी तरह हमने 1/2 इंच पर पूरा निशान लगा रखा है, और यहाँ पर भी हमें इस तरह रखना है। हमने एक निशान ये लगा दिया है यहाँ पर भी हमें इस तरह रखना है, और रख के हम सिलाई लगा के अपने इस पर जमा लेंगे। तो चलिए हम अपने जमाते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहला पीस रखना है यहाँ पर इस प्रकार, अपने निशान जो हमने 1/2 इंच पे लगा रखे हैं इससे ये वाली नोक मिलाते हुए, और यहाँ से गैप रखेंगे बराबर अपनी क्रीज से मिला के। इसी प्रकार हमें अपना दूसरा पैच लगाना है। तो हम सबसे पहले तो अपने पैच जमा लेते हैं इस तरह सिलाई लगा के। अब हम इसको भी जमा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने यहाँ सारे पीस चिपका रखे हैं अपनी सिलाई की मदद से। हमने बीच में सिलाई लगा के इसको रोक लिए हैं। तो दोस्तों, इसकी जो हमने दूरी रखी है पाइपिंग से वो रखी है 1/2 इंच, और हमने जो यहाँ से इसकी दूरी रखी है जो हमारा कट है बुकरम के अंदर वाले साइड और इसकी अंदर वाली साइड, इसकी जो दूरी रखी है वो रखी है हमने 2 इंच, और हमने इसकी भी दूरी यहाँ से यहाँ रखी है 2 इंच अंदर वाली साइड, और इसकी जो दूरी है वो भी हमने रखी है 2 इंच। तो हमने सबकी एक दूसरे की दूरी जो रखी है वो 2 इंच रखी है, यहाँ से रखी है 1/2 इंच। अब हमें क्या करना है, अपने सिलाई लगा के इन पैचों को जमा लेंगे इस प्रकार।
तो दोस्तों इसी तरह हमें अपने सारे पीसों पे सिलाई लगा लेना है। तो दोस्तों हमने अपने अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा कर जमा लिया है। इस तरह से हम इस पर कर लेते हैं कट, इस प्रकार अपने सारे पीस इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने सारे इसमें से कपड़ा कटिंग कर लिया है। कपड़ा कटिंग करने के बाद में हम इसको पलट लेंगे इस प्रकार। इस तरह हम इसको पलट लेंगे और पलट के हम प्रेस से इसको अच्छी तरह से जमा लेंगे। तो दोस्तों हमने सारे पीस पलट लिए हैं। पलटने के बाद इस पर हम कर लेते हैं प्रेस। तो दोस्तों हमने अपनी डोरी बना रखी है, इसको इस तरह से हम अपना फिट कर लेंगे इस तरह। इसको अंदर से निकाल लेते हैं जो हमें लगाने में आसानी होगी।
इसी प्रकार हम अपने सारे पीसों में पाइपिंग लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। हमने अपने राउंडों में पाइपिंग लगा ली है और यहाँ पर लगा रखे हैं हमने चार बटन। तो दोस्तों आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको सीखने में ज़रा सी परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कल को कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर करें अपलोड तो सबसे पहले मिल सके आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।